खड़े हो गए खुश एतमादी के साथ ये तुम मुल्क कौम का नाम रोशन करे। इसको क्या मौजूदा तो हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्शल आर्ट, टाइकवांडो के अलावा किक बॉक्सिंग और बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंस करवाते हैं आजम खान साहब जो उस्मानाबाद मोहम्मदी ग्राउंड में इनका क्लब है और माशाल्लाह उनके तैयार हुए बच्चे उनमें से मैं भी एक शागिर्द हूँ पुराने शागिर्दों में से। इसके अलावा नई नस्ल के भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, उनकी पूरी टीम आज माशाल्लाह यहाँ मौजूद है और आपके सामने एक परफॉर्मेंस करेंगे। आप ही के इलाके के बच्चे हैं जिनको आजम खान साहब ने और इनके कोलीग अब्बासी साहब ने तैयार किया है। माशाल्लाह अभी छोटा सा एक डेमो देंगे, छोटी सी क्लास है जिस तरह क्लब में छोटी सी क्लास होती है। फेस तो पड़ती है और सामने वाले का मुंह पड़ती है। डबल किक है, मिडिल किक, ये सामने लगे डिफेंस के साथ किक मारी जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं। और भरपूर तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई कीजिए। आदि तुम्हें मुल्क को कौम का नाम रोशन करे, भरपूर तालियों के साथ इन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए। इसको कहते हैं 360 के घूम के मारी जाती है डायरेक्ट फेस पे। मौजूदा दौर में औरतों का सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखना इंतहाई जरूरी और एक अहम काम है जिस पर हमारे उस्ताद बड़ी जोश और खुरूश के साथ मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस
कि हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, लेकिन अफसोस कि अब तक हम एक कौम नहीं बन सके। हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमारा जो मकसद था वो हम उससे पीछे हट चुके हैं। खुदारा दीन की तरफ रागिब हों, अल्लाह के रास्ते पे चलें और इस पाकिस्तान की कदर करें, शुक्र करें कि हमें एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। कराची नहीं, पूरा सिंध नहीं, पूरा पाकिस्तान देखता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस्मानाबाद में अब्दुल रशीद भाई के चाहने वाले तो माशाल्लाह बेहिसाब बढ़ चुके हैं, और मैं चाहूँगा अब्दुल रशीद भाई अपने यहाँ पे ख्याल का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम आसिफ गुलफाम साहब, जनाब जिशान भाई नाजम इलाका जमात इस्लामी, जनाब मुंतखब काउंसलर उमर फारूक साहब, इसहाक शेख साहब, शबीर कादरी साहब, हमारे थाने के SHO मंसूर भाई PTI के रहनुमा हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद थे, और मेरे इंतहाई अजीज़ हम वतनों, प्यारे बच्चों, उस्मानाबाद के वासियों, आज 76वां यौम आज़ादी है। 76 साल पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? इस पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि हमें उसने पाकिस्तान अदा किया और इस मकसद के तहत दिया। इस पाकिस्तान के तमाम लोग इससे मोहब्बत करने वाले हैं। एक कौम कई कौमों में तकसीम है, कोई महाजिर है, कोई पख्तून है, कोई बलोच है, कोई सराइकी है, कोई कश्मीरी है, कोई सिंधी है।